गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए तो कल मैंने आपको कुछ नए ऑप्शन, जैसे कहा था मैंने कि नए ऑप्शन आपको बताता हूँ, और वो मैंने ट्रैक चेंजेस बताया और पासवर्ड अपनी फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये इनके बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल भी मैंने किया और प्रैक्टिकल करके दिखाया कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो आपके एम एस वर्ड का लास्ट मेनू बचा है, और उस मेनू को मैं एक आध दिन में, एक या दो दिन में, एक या दो लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आपका एम एस वर्ड का अगर मैं बात करूं तो पहला जो एप्लीकेशन है आपका एम एस वर्ड, ऑफिस ऑटोमेशन का पहला एप्लीकेशन एम एस वर्ड, ये आपका कंप्लीट हो चुका, एक दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कई बार ही बोला है कि अगर आपने एम एस वर्ड को अच्छे तरह से प्रैक्टिकल कर लिया है, तो ये मान के चलिए कि एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट आपके 70-80% तक कंप्लीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन आपके एम एस वर्ड के ही हैं जो एक्सेल और पावर पॉइंट में मिलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी वीडियो समझ में आ रही होगी और आप उसका प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिकल अगर नहीं कर रहे हैं आप, तो ये मान के चलो कि आप उसकी थ्योरी भी नहीं लिख पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एम एस एक्सेल हो या एम एस पावर पॉइंट हो या एम एस वर्ड हो, इन सभी का अगर आपको थ्योरी लिखना है तो इसका प्रैक्टिकल करना मस्ट है। अगर प्रैक्टिकल आप सही ढंग से कर रहे हैं तो आप इसकी थ्योरी आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप थ्योरी नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। असाइनमेंट में भी मैंने कई ऐसे ऑप्शन दिए हैं, जैसे मैंने कल अभी आपको बताता जा रहा हूँ कि ट्रैक चेंजेस क्या होता है, किस तरह से काम करता है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैक चेंजेस किस तरह से काम कर रहा है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते ही अपन चलते हैं उसी फाइल पे, जिस फाइल पे अपन लोग काम कर रहे हैं, और उस फाइल के लास्ट मेन्यू पे चलते हैं और उस पे किस तरह से काम होंगे, उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। व्यू का मतलब ऐसे है कि देखना, ठीक है। ज़्यादातर ये मेन्यू उसमें आपको देखने से संबंधित, यानी आपके डॉक्यूमेंट में, आपके एप्लीकेशन में जो भी चेंजेस आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं मैं क्लिक करके, ठीक है। अब व्यू का मतलब ही है दर्शन करना या देखना। तो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड होने वाली है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, जूम करके बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपन चलते हैं उसी फाइल पे, और आपकी फाइल कहाँ बनी हुई है, जैसे आपको पता ही है कि अपनी फाइल बनी हुई है डॉक्यूमेंट्स के अंदर फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर आपके ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। तो इस पे आप डबल क्लिक करके वो अपन ओपन कर लेते हैं, ठीक। ये आपकी फाइल ओपन हो गई है, इस फाइल पे अपन काम करते आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बार बार आपसे बोला कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस में लिंक, रिव्यू और व्यू, ये सभी ऑप्शन लगना है, फाइंड, रिप्लेस, सभी ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो मेनू बचा है आपका रिव्यू, रिव्यू में भी मैंने अभी सर्च और ये एक्सेप्ट, रिजेक्ट, माइक्रो बता दिया, जिसमें आपको पासवर्ड देना बता दिया कि फाइल को किस तरह से पासवर्ड देते हैं। अब अपन व्यू पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है आपका व्यू, इस पे आपको काम करना है, इस पे देखिए कि किस तरह से हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो बड़े आसानी से आप इसमें व्यू देख सकते हो। इसमें कुछ नहीं, जैसे प्रिंट लेआउट है, ये एक्चुअली ये पेज के लेआउट होते हैं कि किस किस तरह के पेज आपके इस पे खुलेंगे और कौन से पेज पे आपको काम करना है। जैसे प्रिंटिंग लेआउट है, प्रिंटिंग लेआउट का मतलब कि इस पे ज़्यादातर काम हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हमें रूलर मिल जाता है, और इसमें हमें टैब्स की सेटिंग करने की सुविधा अवेलेबल होती है अच्छे से, ठीक है। और कुछ लोग जैसे आप देखते होंगे कि कोई हेडिंग बनाते हैं और उसकी सब हेडिंग बनाना है हमें, तो
उस तरह अगर हमें आप काम करना है तो पहले हमें आउटलाइन बना लेना चाहिए। तो आउटलाइन भी एक लेआउट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेआउट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि लेआउट 5 प्रकार के होते हैं। और वो 5 प्रकार के कौन कौन से लेआउट होते हैं ये भी आप बता सकते हो कि फ्रंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट, वेब लेआउट, ऑनलाइन ड्राफ्ट, ये 5 प्रकार के लेआउट होते हैं। और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। लेआउट आप समझते हैं, या मैं ऐसे आपको समझा सकता हूँ कि आपके कोई एक प्लॉट पड़ा है, उस प्लॉट में आपको मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए आप कितने तरीके से उसकी डिज़ाइन करवा सकते हैं, यानी कई तरीके से आप उसकी डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो इसी तरह जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, उस पेज में टेक्स्ट लिखना चाह रहा है, तो उस टेक्स्ट की एक प्रकार की डिज़ाइनिंग जो हम पहले से तैयार कर लेते हैं कि किस तरह से हमें इस पर काम करना है। तो ये उसी तरह से 5 प्रकार से हमारे पेज ओपन होते हैं। तो जैसे प्रिंट लेआउट, बाई डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो बाई डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट ही ओपन रहता है, प्रिंट लेआउट में ही हम काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रिंट लेआउट पे काम नहीं करना, या आपको फुल स्क्रीन रीडिंग यूज़ करना है, वेब लेआउट यूज़ करना है, आउटलाइन यूज़ करना है, ड्राफ्ट यूज़ करना है, तो इनके सबके कार्य भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट लेआउट में आपने प्रिंट किया है, आपने इसमें वर्क किया, वर्क करने के बाद आप इसके व्यूज यहीं पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फुल स्क्रीन रीडिंग का, तो फुल स्क्रीन का मतलब ये है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है अब उसको मुझे पढ़ना है, तो मैं फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं एक ही समय पे 2 पेज मेरे ओपन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे पेज ओपन हो जाएंगे, या ऐसे आप देख सकते हो। ये देखिए आप ऊपर देख सकते हो स्क्रीन में 1 और 2, यानी टोटल 39 पेजेस हैं, 1 और 2 पेजेस ओपन है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आपको आसानी होगी पढ़ने में, आप जल्दी पढ़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम करते करते ये लेआउट यूज कर सकते हैं, ठीक। ये 39 पेज, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम व्यूज का प्रिंट रीडिंग लेआउट का यूज करते हैं, यानी रीडिंग लेआउट में हमें रीड करना है, पढ़ना आसान होता है, ठीक है। इसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो या तो आप डायरेक्ट यहीं से क्लोज कर लीजिए, ठीक। अब आप लास्ट के पेजेस में हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो कि आप फुल स्क्रीन का यूज किया है। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं जहाँ था उसी पेज पे आना है, तो आप देखिए फिर से रीडिंग लेआउट पर क्लिक किया, और क्लिक करने पे 1 और 2 पेजेस लेते हैं, 1 और 2 पेज पे आके हमने क्लिक कर दिया, ये 1 और 2 पेजेस पे आ गया, ठीक है। अब देखिए वेब लेआउट, ये वेब लेआउट में आपको शायद देखने को मिल रहा होगा। देखिए प्रिंट लेआउट में आपको यहाँ पे रूलर बार मिल रहा है, ठीक है, यहाँ स्क्रॉल बार मिल रहा है, यहाँ इधर भी रूलर बार मिल रहा है, लेकिन वेब लेआउट में आप देख सकते हो इधर आपको रूलर बार नहीं मिल रहा, सिर्फ ऊपर रूलर बार मिलता है, यहाँ स्क्रॉल बार मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपका आउटलाइन देख सकते हो, ये आउटलाइन में आपका पेज ओपन हो गया। जैसे मैंने कहा कि हेडिंग, सब हेडिंग अगर बनाना है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ की हेडिंग बनाई है, या मैं ये कहूँ कि इसकी हेडिंग बनाई है, अब आपको सब हेडिंग बनाना है, तो आप इसके सब हेडिंग भी बना सकते हैं, ठीक। ये आपने एंटर किया, ठीक, और इंटर करने के बाद आप इसके आगे ये सब हेडिंग बना देंगे। अब यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, अगर और आगे इसको टाइप करना है तो आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेवल 3 पे टाइप कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हेडिंग फिर उसकी सब हेडिंग फिर उसकी सब हेडिंग, अगर ऐसे आपको डिज़ाइन करना है तो आप ऐसे भी डिज़ाइन इस पर कर सकते हैं, ऐसे पेज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक। तो रीडिंग लेआउट में आपको ये चीज मिल गई। अब यहीं से आप ये देखिए, मैंने फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दिया, और फुल स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद ये आपकी पूरी फुल स्क्रीन ओपन हो गई, ठीक है, ठीक। अब इतनी में फिर व्यू में मैं गया, और फिर व्यू में जाने के बाद मैं ड्राफ्ट का यूज किया। तो देखिए ड्राफ्ट में आउटलाइन में देखो क्या था, पॉइंट बाई पॉइंट हेडिंग के सब हेडिंग बना सकते थे, लेकिन इस पे
ये देखिए ड्रॉप के रूप में बोला, यानी यहाँ पे ये पेज हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये पेज अलग है और यहाँ पे दूसरा पेज है, यानी पेज के जैसे तरीके भी चेंज होगा कि किस तरह से यहाँ पे पेज दिखेंगे। ठीक ठीक है, तो इस तरह से अगर बात करें हम, तो आप देखिए कि हम जो लेआउट, हम पांच प्रकार के लेआउट क्रिएट कर सकते हैं और पांचों लेआउट हमारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो फ्रंट लेआउट में ही हम देखिए फिर से फ्रंट लेआउट में ही चले गए। अब यहाँ पे आते हैं रूलर। अब जो मैंने रूलर की बात किया, तो अगर आपने देखो रूलर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया तो ये रूलर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अब बात आती है कि आखिरकार रूलर का यूज क्या है। तो रूलर का आपको बता दें ये है कि जब हम टैब बटन का यूज करते हैं तो एक फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर, या मैं कहता हूँ कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये ऐसे कोई भी मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टाइप करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वन, जैसे मैंने किया, ठीक है, ये मैंने किया क्वेश्चन नंबर वन। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंटर किया तो देखिए वहीं पे आया। अब अगर मैंने किया नंबर ए, ठीक, एक ये टैब मैंने यूज किया और फिर मैंने किया दूसरी बार, ठीक, ये दो टैब यूज किया और मैंने किया यहाँ पे बी, ठीक। अब फिर मैंने इंटर किया तो देखिए अब यहाँ पे मैं सी दूंगा, एक दो फिर दिन मैंने दे दिया, फिर मैंने एंटर किया की दे दिया या क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू मैंने कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए टाइप होने पे या यहाँ पे डायरेक्ट ये जैसे मान लीजिए बी है तो आपने यहाँ पे ये आपका कर्सर है, ये यहाँ पे कर्सर है और आपने पॉइंट लगा दिया इस पे, तो ये देखिए सीधे उसी पॉइंट पे जाए जिस पॉइंट पे आपने लगा दिया, ठीक है। या इसकी टैब की सेटिंग भी की जा सकती है कि जाके हम उसकी सेटिंग कर लें कि टैब जितना हमें टैब लेना है, यानी 1.2.3 पॉइंट, या मैं इसको हटा दूँ ऐसे, समझ लीजिए आप। मैंने ये किया, एक मैंने पॉइंट रखा यहीं पे, ठीक है, दूसरा पॉइंट रखा मैंने यहाँ पे, तीसरा पॉइंट रखा मैंने यहाँ पे, चौथा पॉइंट रखा मैंने यहाँ। ये देखिए मैंने ये किया, जंप किया, देखो यहीं पे इसके जस्ट सामने होगा, ये देखिए कर्सर, फिर जंप किया इसके सामने होगा, फिर जंप किया इसके सामने, ठीक, एंटर कर दिया। अब देखिए फिर मैंने ये देखिए एंटर किया, ये देखिए किसी के जस्ट सामने होगा हमारा कर्सर, फिर मैंने टैब बटन किया, यानी एक बार में उतना ही जंप करेगा, ठीक, समझ में आया। तो किस तरह से हम टैब की सेटिंग कर सकते हैं, तो रूलर का यहाँ कितना बड़ा महत्व है ना। तो रूलर से हमें ये पता चल जाता है कि हमने टैब की बेहतरीन सेटिंग कर ली है। अब टैब अगर हम बात करें तो टैब कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पांच प्रकार के टैब होते हैं, ठीक, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई और बार, ठीक है, ये पांच प्रकार के टैब होते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि टैब कितने प्रकार के होते हैं, तो टैब पांच प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई और बार, ठीक है। चलिए अब दूसरा लेते हैं, एक्चुअल देखा जाए तो ये सर सिर्फ व्यू है, ग्रिड लाइन, अगर आप ग्रिड लाइन अपने डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हैं तो आप ग्रिड लाइन भी देख सकते हैं। ये एक्चुअली सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप वहाँ टाइप नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगे आने वाली, ठीक है। तो ग्रिड लाइन भी यूज किया सकते हैं, तो अगर आपको यूज करना है तो यहाँ से ग्रिड लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक, नहीं यूज करना तो इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर नेविगेशन पेन,
तरीके से सेम ये आपका डॉक्यूमेंट है, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं किस तरीके से, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट किस तरीके से देखा जा सकता है। ठीक, जिस नंबर के पेज पे जाना है क्या अभी क्या है, हम स्क्रोलिंग करते हैं। अगर आप स्क्रोलिंग करके नहीं जाना चाहते, नेविगेशन पेन का यूज़ करिए और किस पेज में आपको जाना है यहीं से आप सीधे क्लिक करिए, उस पेज में पहुँच गए। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये नेविगेशन पेन का हम लोगों ने यूज कर लिया। ठीक, फायदा क्या मिला, मान लीजिए आपके 100-200 पेजेस हैं, अब आप कितनी बार तक स्क्रॉल करते रहेंगे, तो सीधे नेविगेशन पेन यूज करिए, जितने नंबर के पेज में जाना है ये आपको स्क्रॉलिंग यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, या तो फिर आप डॉक्यूमेंट के पेजेस में जाइए, वहाँ सीधे नंबर के पेजेस में चले जाइए, यहाँ आपको पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नेविगेशन पेन का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसका, अगर हम इसको बंद करना चाहें तो यहीं से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितना, अपने डॉक्यूमेंट को कितना बेहतरीन बना रहे हैं। अब नेक्स्ट है इसमें जूम, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप बताएं कि मिनिमम एमएस वर्ड का मिनिमम जूम कितना होता है। तो मिनिमम जूम इसका आपको मालूम होना चाहिए और मैक्सिमम जूम मालूम होना चाहिए। अब जूम करता क्या है, ये प्रिंटेबल नहीं है, कभी कभी आपका फॉन्ट साइज और जूम में अंतर भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जूम एंड फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज से प्रिंटेबल, जूम नॉट ए प्रिंटेबल, जूम प्रिंटेबल नहीं है, यानी हम इसको सिर्फ देखने का कार्य करते हैं, जो कि फॉन्ट साइज क्या है वो प्रिंटेबल है, प्रिंट किया जा सकता है, जितना फॉन्ट साइज आप रख लोगे उतना प्रिंट करके आप उसको देख ले सकते हो, लेकिन जूम में ऐसा नहीं कर सकते हो आप। जूम सिर्फ आपको डिस्प्ले करने की प्रोसेस करता है, सिर्फ डिस्प्ले करवाता है। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम साइज भी आप देख लीजिए, देखिए यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम भी आपको मिल जाएगा कि जूम मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। ये देखिए जूम मिनिमम 10 हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम 500। इसको आप चेक करना चाहें तो आप चेक करके भी देख सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मिनिमम जूम कितना होता है, एमएस वर्ड में मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है। ठीक, ये देखिए मैंने कहा 500 तो 500, मैंने ओके कर दूं तो ये देखिए 500 जूम ये डिस्प्ले होने लगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हमारा जूम कितना होता है 100, ये 100 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो जूम मिनिमम 10 मैक्सिमम 500। ठीक है, अब यहाँ बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट जूम की क्या सेटिंग होती है, तो 100 सेटिंग होती है, और हम हमेशा 100 जूम पे ही काम करते हैं, 100 जूम पे ही प्रिंट आउट भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कोई जूम की सेटिंग कर दी है और आपको बहुत बड़ा दिख रहा है और जब आप प्रिंट करने जाते हैं तो छोटा दिख रहा है, तो आप परेशान हो रहे हैं कि यहाँ ये प्रिंट कैसे हो रहा है, कि ये दिखाई कैसे दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी ने जूम सेट कर दिया है। इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जूम में जाके चीज़ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी सेलेक्ट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि 200 जूम। ठीक है, अब वहाँ आपको 100 में काम करना है, प्रिंट भी करना है, और 200 जूम आप फॉन्ट साइज आपने छोटा ही रखा है फिर भी वो बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम ये देख लेते हैं कि कहीं जूम की सेटिंग तो नहीं है, पहले से सेट तो नहीं कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जूम का यूज करते हैं। ठीक, टेक्स्ट वाइड और पेज वाइड अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, आपने जूम किया पेज वाइड, ये थोड़ा सा चौड़ाई भी आपको दिखने लगेगा। टेक्स्ट वाइड अगर आपने उसको देखना है तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको ये देखिए दिखने लगा। तो इनकी सेटिंग आप देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको 100 सेलेक्ट कर देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये किस तरह से टेक्स्ट दिखते हैं 1-3 पेजेस में, वो भी आप मेनी पेजेस में अगर देखना चाहते हैं उसी
मैटर को, तो आप दूसरे पेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रिंट लेआउट जो ये क्या होता है, रूलर ये सब क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, ठीक। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक क्लास में ये पूरी आपका ये एप्लीकेशन ही खत्म हो जाएगा। एक क्लास और ले लूँगा मैं और ये पूरे ऑप्शन आपको क्लियर कर दूंगा और उसके बाद फिर अपन नए एप्लीकेशन पे चलेंगे, उसको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।